मैं पाप वहां से प्रगट करती। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखियो, अभी हम बुराई करेंगे तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि हम भले कार्य नहीं करेंगे तो द्वार पर पाप छिपा रहता है। पवित्र शास्त्र ऐसा कहती है कि यहूदियों के लिए श्रेष्ठ कार्य सब लिख कर छोड़ा है। रोमियो 3:1 कहती है, யூதர்களுக்கு के लिए इसे लिखा गया है, उनके द्वार से हमें मिला है। साधारण मेन्मै இல்லையா, साधारण श्रेष्ठ कार्य नहीं है, விசேஷித்த மேன்மை, और ये तो श्रेष्ठ विशेष श्रेष्ठ है। रोमियो 2 अंतिम वचन ऐसा कहती है, देखिए हम सब कौन है, हृदय में हम यहूदी है, जिनका मन कतना किया है वो सभी यहूदिया है। इस शास्त्र की श्रेष्ठ कार्य को लिख कर हमें दिया है, वो श्रेष्ठ विशेष श्रेष्ठ है। परमेश्वर के इनको पास कहता है, तेरे भाई कहाँ है, मैं उसके लिए क्या रखवाला हूँ क्या। हम सभी हमारी भाई के लिए रखवाला ही है। मैं क्या उसके लिए रखवाला हूँ क्या, ये तो आश्चर्य चंबित है कि वो जानता है कि जो कार्य उसने किया है परमेश्वर अनजान है। तभी परमेश्वर कहते हैं कि भला कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ है। देखिए कितनी भयानक रूपी से इस वचन कहती है, हमारे लिए सभी के लिए कहा है कि हमें भले कार्य को ही करना है। देखिए भलाई कार्य न करते हुए हम क्या क्या बुराई करते हैं। हालेलुया। नीति वचन 23 में लिखा है, नीति वचन 20:3 मुकदमा में हटना मनुष्य की उन्नति है। नीति वचन 15:14 में लिखा है कि जबान एक जीवित 15:4 में लिखा है कि जीवन का वृक्ष है, शांति देने वाला बाग जीवन का वृक्ष है। अभी हम जानते हैं कि परमेश्वर की कहना से कि स्वर्ग राज और परदेशी कहाँ है, उस जीवन की वृक्ष कहाँ है, परदेश में है। लेकिन पवित्र शास्त्री शास्त्र कहती है कि हमारे अंदर भी वो जीवन की वृक्ष है, शांति देने वाला बात जीवन वृक्ष है। हमारी जो भी बात है जिसको चोट नहीं पहुंचाती है तब तक वह जीवन का वृक्ष है, वो जीवन का वृक्ष ही है। ये संसार के लोगों के लिए लिख कर नहीं छोड़ा है, मेरे लिए और आपके लिए लिख के रखा है।
इस दिनों में इस पहले महीना के पहले हफ्ता में मुझे क्या बातें करना है करके सोचते समय यही वचन मुझे वापस आया, मैं तुझे श्रेष्ठ रखूंगा। हमें आशीष करना ही उनका प्रिय है। बुराई मनुष्य का मरण को वो नहीं पसंद करता है। गिनती 24:7 में लिखा है 24:7 அவர்களுடைய நீர்சாலிலிருந்து தண்ணீர் பாயும், அவர்கள் வித்து திரளான தண்ணீர்களில் பரவும், அவர்களுடைய ராஜா ஆகாகை பார்க்கிலும் உயருவான், அவர்கள் ராஜ்யம் மேன்மை அடையும். அவர்கள் ராஜ்யம் யாருடைய ராஜ்யம்? இஸ்ரவேலுடைய ராஜ்யம். கிஸ்கா ராஜ்ய? இஸ்ரவேலோ கா ராஜ்ய. पहला वचन लिखा है कि इज़राइल को आशीष करना ही परमेश्वर की चाहत है। बिलियाम जान लिया, अपने नजर को ऊपर उठाकर देखता है। वो अपने गोत्र के अनुसार सीधा ठीक बराबर में खड़ा है। तब वो अपने वचन को लेकर कहता है, इसराइल तेरा निवास स्थान क्या ही मनभावने है। यदि हमारा घर अच्छा नहीं है लेकिन हमारे विश्वास ये सभी वचन को हृदय पर भर कर मत्ती में ऐसा परमेश्वर कहा है कि हृदय की भरपूरी से मुंह बातें करेगा। हम सब जानते हैं कि लगातार सुने हैं कि वाचा को पौलुस ऐसे कहते हैं कि हमारे से परमेश्वर महान मापाने के लिए परमेश्वर की सभी वाचाएं ईश्वर के अंदर हाँ और आमीन है। ये क्या कहता है कि ये याकूब तेरे डेरे और ये इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने है। हम प्रार्थना करते समय बराबर समय पे परमेश्वर हमारे लिए अच्छे घर देंगे। एक बार पासवान गांव जाते समय बोला कि ये बहन तू मेरे वाइफों के घर में रहना कर कर केवल मेरे पिताजी को छोड़कर सभी बच्चे सभी प्रार्थना करने लगे। ए परमेश्वर ऐसे ही हमारे लिए घर चाहिए, उसी को रखकर हम प्रार्थना करने लगे। हमारे घर वाले आने वाले सभी से देखिए अपनी बहन के लिए वाइबो में घर चाहिए कर सर। तभी टट्टा उड़ाए थे मजाक करने लगे। लगभग 15 साल के पहले परमेश्वर ऐसे कहने लगे, बंधा हुआ नहीं घर को जाकर लेना कर कर। मैं तो वाइबों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। पहला तो वही पहले से वो पुराना हो गया। हरे घर को मैं जाकर देखने लगी। अभी हम जो निवास करते हैं वहाँ जाके देखते हैं, मुझे पसंद आ गया। वैभव में भी घर लेने के लिए बोला गया था लेकिन ऐसा शब्द आया कि नया बंधा हुआ घर जाकर देखना। क्यों कहने चाहती हूँ जैसा परमेश्वर मुझसे बातें करता है वैसा मैं नहीं चलती हूँ। मेरा प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है तो आपकी प्रार्थनाओं को कैसा नहीं सुनेंगे। ए याकूब तेरा डेरा और ये इज़राइल तेरा
हमारा निवास स्थान क्या ही मन भावना है। धारावी को सभी तुच्छ मानते हैं। जो भी चीजें हमने धारावी से मिलता है अच्छे अच्छे घर धारावी में भी है। हमें जो चाहते वो परमेश्वर के सम्मुख में रखेंगे क्योंकि वाचा सभी आम और आमीन कर कर है। उनकी जो इच्छा है वो हमें परमेश्वर प्रकट करेंगे। और तो वही गटियों के समान और नदी के तट की गिनतियां 24:28 और वो तो गाठियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान और यहोवा के लगाए हुआ अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारु के वृक्ष के समान है। ये देवदार वृक्ष को विशेष कार्य से बताया गया है। हमारी जो आशीष वो नदी के तट के समान है और यहोवा के लगाया हुआ अगर के वृक्ष हमें लगातार प्रार्थना करना है कि ये परमेश्वर मुझे दीन में होने के लिए सिखाना। दीन आने मुझे और आपका बहुत कठिन है। गमंड के आगे दीन है। गमंड से बुरी चाल चलन आती है। हमें श्रेष्ठ करना ही उनका प्रिय है। कुछ जन श्रेष्ठ को नाश कर देते हैं। नीति वचन 5:9 कहता है दूसरी स्त्री के पीछे जाएंगे तो श्रेष्ठ तो दूसरों को और अपने जीवन को क्रूर जन के वश में कर दे। मुकदमा में नहीं मिलना चाहिए। दूसरों के कार्य को बताने में बातें करने में मुझे और आपको सावधानी से रहना है। सुलेमान ऐसा कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों जीवन की उस जबान पर भी है। दूसरे के कार्य में अभी यदि हम नहीं बोलेंगे तो अच्छा है। यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे तो अपने बच्चों और अपने पीढ़ी के लिए हम श्रेष्ठ बनेंगे करके सुलेमान कहता है। नीति वचन 17:6 कहती है पवित्र शास्त्र की महान कार्य हमारे हमें अलावा और दूसरे कोई को नहीं दिया गया है। बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। बूढ़े की शोभा उनकी नाती पोता है। उसी समय बाल बच्चों की शोभा उनकी माता पिता है। यदि हम परमेश्वर से डरवे होंगे तो हमारी संतान भी आशीष पाएगी।
बाल बच्चों की शोभा उनकी माता पिता है। ये दूसरों के लिए नहीं दिया गया है, केवल हमारे लिए दिया है। इसे सभी को हमें जांचना है। हमारी जीव परी जीवन और मृत्यु है। दूसरे के कार्य में हमें मुंह नहीं चलाना है। सुलेमान ऐसे कहते हैं कि अन्य स्त्रियों को स्नेह करते समय हम अपने श्रेष्ठ को खो बैठते हैं और अपने आयु को भी क्रूर लोगों के पास दे देते हैं। देखिए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को कितना उन्नति कहा गया है यहाँ भजन संहिता 8:9 में। पूरे संसार पर वह श्रेष्ठ है। देखिए वो किसके द्वारा वो प्रतापमय नाम प्रकट होगा। यदि हम उस नाम को आज्ञा पालन करेंगे तो हमारे नाम सारी पृथ्वी पर प्रतापमय होगा। दूसरा इतिहास 26:18 ऐसा कहता है। 26:18 राजा वागे उसिया ओड एदित्ति निंद्र उसियावे कत्तरक दूवं काटगरद उमक अडुत्तद अल्ल दूवं काटगरद பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆரோன் குமாரனாகிய ஆசாரியருக்கு அடுக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு வெளியே போம் மீறுதல் செய்தீர் இது தேவனாகிய கர்த்தராலே உமக்கு மேன்மையாக லபியாது என்றார்கள். देखिए याचक लोग कहता है ये उज्जिया यहोवा के लिए उन्होंने उज्जिया राजा का सामने कर उसे कहा आपके लिए श्रेष्ठ नहीं होगा। अमत्स्य राजा पाइये वो अमत्स्य राजा का लड़का है। वो भी पहला ठीक था लेकिन बाद में उसके अंदर घमंड आ गया। देखिए पांचवा वचन ऐसा कहती है परमेश्वर की खोज में लगा रहा था। जब वो परमेश्वर को ढूंढा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यदि हम परमेश्वर की खोज में लगा रहेंगे तो परमेश्वर हमें सफलता देंगे। राजा बहुत छोटा था फिलिस्ती और कई राजाओं से लड़ता है और विजय भी होता है। अमोनियम सभी इनके पास दान लेकर आते हैं। परमेश्वर तो इनका संग रक्षक था। जब तक परमेश्वर को डर मानकर उन्हें खोज रहा था तब तक परमेश्वर उनका सहायक था। ये सभी कार्य हमारे लिए लिखा है। यदि मैं और आप डर के साथ परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर हमें हमारी दीनता को बदलेंगे। वह हमें श्रेष्ठ करेंगे। इन्हें भी श्रेष्ठ कर ही रखा था। जो भी याचक की कार्य है ये धूप जलाने लगा। इसलिए याचक गुस्सा हो जाते हैं। तब उसका गुस्सा हो जाता है। धूप के हाथ अपने पर रखकर गुस्सा होते ही परमेश्वर की भयानक कार्य वहाँ प्रकट होती है। उनके माथे पर कुष्ठ रोग आ जाता है। कोड़ी आ जाता है उनके ऊपर। परमेश्वर उन्हें इन्हें श्रेष्ठ कर रखा था। उसे नहीं संभाला। यदि परमेश्वर हमें उन्नति देंगे तो उसे संभालना आवश्यक है। मत्ते मत्तूंग में जो नेहरत ले ना महिलार बंद नेहरत
दोपहर में सोने के समय में हम सभी यहाँ थोड़ी देर ठहरे हैं। हमें और हमारी संतान को आशीष दायक होने के लिए हमें निश्चय श्रेष्ठ करेंगे। ऊंचा करते समय भी हम डर के साथ रहना चाहिए। केवल ये संसार नहीं है हमारे लिए और एक संसार है। उशिया राजा आज्ञा पालन करेंगे तो उन्हें वो कोई बीमारी नहीं आता था, इसलिए वो राज न करते हुए वो घर पे ही बंधा था। उसका बेटा राज किया। ऐसे कौन बलि चढ़ाया परमेश्वर को बात नहीं माना सॉल किया था। मोसे की बालक और परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि मेरे घर घर पे पूरा वो सच्चाई है। उनके पास बहुत क्रोध था। उनके लघु में अपने खुद के गोत्र की वो घमंड था। उस क्रोध से क्या किया, मिस्र को गांत किया उसने। मोसे को परमेश्वर लेके जाता है, वो मूसा भी जानता है। उन्हें न्याय करते समय वो सोचने लगता है कि ये प्रजा जान लेगी, लेकिन वो कोई इनकी बात में नहीं आया। परमेश्वर के बल में न करते हुए एक अपने खुद के बल में मार दिया। ये एक श्रेष्ठ मनुष्य था। वो पूरे समय काल पर पैदा हुआ था, हम सब जानते हैं। जो भी पुत्र को जना उन्हें जरूर नदी में डालना है। जिस राजनीति ने घात करने के लिए सोचा था, उसी राजनीति ने इनकी पालन पोषण करके इन्हें श्रेष्ठ रखा है। देखिए इनके क्रोध से क्या मिला। क्या करने पड़ा, 40 साल बकरियों को चरवाना पड़ा। केवल आपको मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन 2 दिन से इसे लगातार मैं जांच रही हूँ। एक व्यक्ति ऐसे प्रचार करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गॉड, सरकार परमेश्वर की सरकार है। देखिए हमें कौन राज कर रहा है, हमारे परमेश्वर हमें राज कर रहा है। हमें किससे भी डरना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से डरना है। मैंने पहले कही थी कि मुकदमा से अलग होना है। बुराई कार्य करेंगे तो बहुत दंड मिलेगा, लेकिन भला कार्य नहीं करेंगे तो भी पाप द्वार में पड़ा रहेगा। घमंड होंगे तो हम अपने श्रेष्ठ को खो बैठेंगे। क्रोधित करेंगे, क्रोधित करने से मोसेस कहाँ मूसा कहाँ जाना जाने पड़ा। राज करने वाला मूसा 40 साल उन्हें धूप और ठंड में बकरी चरवाना पड़ा। वो परमेश्वर को नहीं छोड़े, उन्हें चलाए। दूसरी बार और गुस्सा किए गया। देखिए हमारे क्रोध कितना बुरा है। पहले परमेश्वर चट्टान को देखकर मारना कर कहने लगे। प्रजा इन्हें दबाते ही गुस्सा हो जाते हैं।
देखिए हमारे घर पर हमारे आस पास हमें दबाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। देखिए बंदी घर में रहता हुआ पौलुस कैसा कहता है कि जो भी दबावट में है कैसा प्रार्थना कर खुशी से रहो कर कर बार बार पौलुस दोहराता है हमारी कमियां आजू बाजू की दबावट पति जी ठीक नहीं है कमाने वाला पति ही रहते हैं जैसा कमाते हैं वैसा हमारा पति नहीं कमाते करते कितना झगड़ने वाला पत्नियां हैं अच्छे पति को नहीं चाहिए कर कर छोड़ने वाला पत्नियां ये तो मोटी हुई है ये अंत नहीं है हमारे एक परमेश्वर की राज्य है संसार की श्रेष्ठ और परमेश्वर की श्रेष्ठ राज्य के बारे में बातें कर रही हूँ हमारी चाल चलन यहाँ की श्रेष्ठता और उन्नति की श्रेष्ठता को नाश करती है पौलुस कहता है जो सच्चाई है और जो ठीक है जो अच्छी कार्य है जो धार्मिकता है जो प्रेम है अच्छी कार्य जो है जो श्रेष्ठ है जो अच्छा कार्य उसी के बारे में सोचो ये फिलिपियों 4:8 में है हमारी सोच संसार में और बुरे व्यक्तियों के बीच में है इसलिए हम समस्या में पड़े हैं ऐसा भविष्यदत्ता ऐसा कहता है कि जब ये अंडे को दबाते हैं वहाँ से श्राप निकलती है यदि हम किसी से दबाए जाते हैं तो हम झगड़ना नहीं चाहिए हम अच्छे कार्य के लिए बुलाए गए हैं किसी परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख में रखने के लिए सीखना चाहिए वे बातें करेंगे टीवी में मैंने एक गवाही को देखा वो माता बहुत प्रार्थना करती है वो डॉक्टर बातें करते समय प्रार्थना करते समय परमेश्वर उनसे अच्छी बातें करते वो उस जगह पर एक आदरणीय पति और पत्नी थे एक लड़की दफ्तर में काम करती है मुझे उन्नति मिला है मेरे सर्टिफिकेट्स को जल्दी जमा करना है लेकिन मुझे नहीं होगा इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करो वापस कुछ दिनों के बाद उस लड़की उस डॉक्टर माँ से बोलने लगी उस डॉक्टर माँ भी इस लड़की के लिए लगातार हर दिन प्रार्थना कर रही थी जो भी उनसे प्रार्थना करने के लिए बोलते उसके लिए सावधान से वो प्रार्थना कर रही थी अधिकारी मेरे ऊपर के अधिकारी बोलने लगे कि 5-star होटल में अपने सर्टिफिकेट सभी को लेकर आना कर कर वो पूछने लगे मुझे जाना है क्या नहीं पहले वो पूछने लगे कि मुझे जाना है कि नहीं लेकिन जाते समय परमेश्वर उससे बातें करने लगा उसके हृदय उससे बातें करने लगा कि अब तक बिन पूछा नहीं चली अब कैसे चल पड़ी कर कर इस जगह तभी वो तुरंत उस माँ जी के लिए प्रार्थना करने लगी फोन करने लगी कि मुझे बुलाया है इसके लिए मैं चल पड़ी हूँ अपने सर्टिफिकेट सब लेकर
ये लड़की उस डॉक्टर माजी से फोन में बातें करते समय ही परमेश्वर उस माजी से बातें करता है। हमारी मार बड़ा तेरी रास्ता तितर बितर है, वो नाश की ओर है, तू वहाँ मत जाना। जितने दूर तक तू चलिए तू वापस आ जाना। केवल परमेश्वर इस वचन को नहीं कहा, जो उत्पत्ति में आदम और हव्वा जैसा शैतान उन्हें बरमाता है उसी सभी कार्यों से बातें करने लगा। यदि तू जाएगी तो नाश हो जाएगी कर नाश की कमार वहाँ है कर बतलाने लगा। वो लड़की सोचने लगी मेरी अधिकारी के पास कैसे झूठ बोलूं, लेकिन मैं सच ही कहूंगी। ये अय्या मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं आने होगा। वो जवान था और अच्छा दगड़ा अट्ठा गट्टा था। यार मैं देखता हूँ कि कौन तुझे उन्नति करता है कर इसी पगार में रहकर तू मर ना कर तुझे कभी भी उन्नति नहीं आएगा। मैं उसे देख लूंगा कर ये लड़की भी वापस आ गई। इस डॉक्टर माजी भी उस लड़की के लिए लगातार प्रार्थना करने लगे। दो तीन महीना बीत गया, इस लड़की वापस उस माजी को फोन करती है। वो अधिकारी मर गया। इस माजी उस लड़की के लिए उस अधिकारी से बातें भी करी है। वो तो बलवान था, कैसा मर पड़ा। ऐसे चलते समय पैर फिसल कर उसकी सिर नीचे गिर गया और वो ऐसे ही मर गया। हर एक मनुष्य की जिंदगी को परमेश्वर राज करता है। उनके अनजान में कुछ भी नहीं होता है। हमारी जीवन पवित्र होगी, हमें सच्चाई से रहना है। यदि हम परमेश्वर को भय मानेंगे तो हमारी श्रेष्ठ को कोई भी निकाल ना पाएगा। ऐसी कई अच्छी गवाही को हम देखते और सुनते भी है। हमारी जिंदगी में बदलाव चाहिए। मूसा दूसरे बार प्रजा उन्हें दबाते समय परमेश्वर चट्टान से बातें करने के लिए कहा। पानी नहीं था, पानी नहीं कर हमें चिंता उठाना नहीं चाहिए। और अभी अपने हाथ में जो भी लाठी है उसे लेकर जाना, चट्टान से बातें करना प्रजा की चिल्लाहट और गुड़गुड़ाने को बिन पानी के हम इस रेगिस्तान में मरते हैं करके वो चिल्लाने लगे। मूसा को बहुत गुस्सा आने लगा, इनके हृदय में वही गुस्सा आने लगा। तब वो प्रजा के पास देखकर कहता है, ये कलंकित लोग, इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी आने के लिए बोलूं क्या? हम जानते हैं कि दो बार मारता है, बहुत अच्छे से पानी निकलती है। इस प्रजा के बीच में तूने मुझे पवित्र नहीं किया। किसी परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर की पवित्र करना अवश्य है। यदि हम दूसरों के विरुद्ध बातें करेंगे तो हम परमेश्वर को अपवित्र करते हैं। यदि दूसरे की गति कहते समय हम अपवित्र होते हैं। इसके लिए तुम दो जन कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
देवन मेन्मे पड़ी आशीर्वाद पवित्र शास्त्र पूरे वचनों पर मेरे लिए और आपके संतान के लिए आशीष ही रखा है हमें नीट कार्य हमारे घर 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 की कार्य पति के विषय में बच्चों के विषय में यदि हम पूरे झुंड परिवार के साथ रहेंगे तो उस कार्य हमारे पूरे परिस्थिति में देव समुद्र अमर परमेश्वर के चरण में बैठना है वह हमारे झुंड में जो भी है उनके लिए हमारे परिवार के लिए वो आशीष और उन्नति लेकर आएगी मूसे के विरोध मान पेशने सहोदरी कूड़ा देव आकृति को कुत्ता मूसा के विरुद्ध जो बातें करने वाले उनके खुद के बहन के ऊपर भी परमेश्वर की दंड आने लगा वो तो मुझे आमने सामने नजर के नजर देखता है वो भविष्य दत्ता के समान नहीं है कर परमेश्वर उनके बारे में खुद गवाही देता है क्रोधित होते समय वो भी खानान देश में नहीं प्रवेश किया जो भी वचन हम सुनते हैं घर पे जाकर उसे जांचना है जो भी मैं लिख कर रखी हूँ सब उसे लगा कर मैं उसे क्लिप कर रखी हूँ आसान से मुझे समय नहीं मिलता है समय रख कर मैं उसे पूरा जांच मैं अपने अपने बारे में बढ़ोतरी करने के लिए नहीं कहती हूँ आपको भी उसे जांचना जरूरी है वचन का ध्यान वचन को जांचते समय आरोग्य हमारे लिए आरोग्यता मिलती है हमारी गुस्सा कम होती है हमारे पति बहुत कमजोर हुआ है और कान बराबर से नहीं सुनता है साढ़े दो बजे तक केवल एक बिस्किट पैकेट खाकर पूरा जगह घूमते हैं बाहर आकर और घर पर आते हैं आपके खाने के खाना के साथ में विटामिन दवा खाएंगे तो मुझे और बहुत मज़ा लगता है बहुत मजाक उड़ाते हैं मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा कुछ कम हुआ देखिए हम बुरी परिस्थिति में हम कैसे जैसा ऐसा भविष्य दत्ता कहता है यदि अंडे को दबाएंगे तो वहाँ से सांप निकलते हैं वैसे रहेंगे तो हम उन्नति को खो बैठेंगे हमारे परिवार में शांति नहीं रहेगी सभी कार्य विरुद्धता में रह सकते हैं लेकिन वह अंत नहीं है तेरे बच्चे तेरे आस पास तेरे फलदायक वृक्ष के समान रहेंगे यदि हमारे बच्चे वैसे नहीं है कमजोर है लेकिन उस वचन उन्हें बदलेगी उसी विश्वास में मैं अब जीवित हूँ तेरी पत्नी तेरे घर के आसपास अभी दाखलता के समान है ऐसे बहुत वायदाएं हैं वायदाएं वाचाएं सब क्यों दिया गया है पत्रस कहते हैं कि दूसरा पत्रस 2:4 में सभी वाचाएं अच्छे रहने के लिए लिखकर रखा है दूसरा पत्रस 1:4 देखिये वायदा हमारे लिए संसार में बुरी अभिलाषाओं से हटकर रहने की स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव हमें देती है देखिए हम कितना भाग्यशाली हैं केवल एक ही जिंदगी है जीवन है हमें केवल परमेश्वर के नाम के बारे में ही उन्नति करना है समय
कुछ समय अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में उन्नति करती हूँ। वो हमारे बच्चे के लिए कितना नष्ट लेकर आती है कि बाद में ही मालूम पड़ा। भजन संगीता वाला ऐसा कहता है कुछ अपने रथ के बारे में और अपने घोड़े के बारे में उन्नति करते हैं। मैं ऐसे उन्नति नहीं करती अगर मैं सोच कर रखी थी। यदि उसे जांचेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर कहा कि अपने आत्मा के बारे में सावधान रहना है। एबेशियो 1:19 ऐसा कहती है, उसके पहला लूका 16 अध्याय परमेश्वर एक यहाँ एक उदाहरण देते हैं। एक भंडार था, भंडारी था, और यजमान को उग्रण कारण भंडारी था, इसे लगातार हम कहते बोलते आए हैं। इसे लगातार इस उपमा को कहा है कि यजमान उग्रण कारण सही है। वो मालिक जानता है कि ये भंडारी ठीक से काम नहीं कर रहा है कर कर, उसे बोलने लगा है कि तुझे अपने काम से मैं निकालता हूँ करके। तू ठीक नहीं है कर कर कहने लगा। तभी वो भंडारी सोचने लगता है, मुझे तो लज्जित होता है भीख मांगने के लिए, मुझे तो अच्छे कठिन काम करने नहीं होगा, मुझे तो मिट्टी से मुझे खोदी नहीं जाती है, भीख भी नहीं करने होगा और काम करने भी नहीं होगा, लेकिन मैं एक और कार्य करूँगा। जो भी खर्च लिया है उससे जाके पूछूंगा कि तू मेरे स्वामी से कितना खर्च लिया है। वो 100 करके अपनी तभी उसको कहता है कि 50 करता है। अपना दूसरे से पूछने लगा तेरा कितना खर्च रहा। उसने कहा 100 गेहूं करके, तो उसे 80 करके लिखने के लिए बोला। ये तो स्वामी सुनता है। लूका 16:15 में लिखा है, देखिए ये क्या बताते हैं, स्वामी तो परमेश्वर है और हमारे लिए परमेश्वर भंडारी के बारे में सोचा है। हमारी जिंदगी में हम जिससे भी मिलते हैं उसे क्षमा करना है। ऐसे यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे काम से हमें निकाल देंगे। 15 वचन को पढ़िए। इस संसार के कार्य में महान कुछ नहीं है, वो परमेश्वर घृणा करते हैं। यदि हम आत्मा में दीन होंगे और उन्हें परमेश्वर हमें उन्नति करेंगे तो उनका वो प्रिय है। पहला योवना में योवना ऐसा लिखता है, जैसा तेरा आत्मा जीवित है सभी कार्य में वैसे तू जीना कर कर। इन दिनों में भी परमेश्वर हम सभी को उन्नति करना उनका प्रिय है। किसी कार्य को हमें यहाँ वहाँ दौड़ना जरूरी नहीं है। கற்பிக்கிற தேவனாய் கர்த்தருடைய கட்டளையின்படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமாக இருக்கிறது
यदि तू अपने परमेश्वर यहोव की सभी आज्ञा को उन देवनाय कर्तृडय सतत तू उम्मीय से दिगो पाया आ सुनता है सुनाता हूँ कि चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनो लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बातें करने वाला मैं और आप उनकी आज्ञाओं को सच्चाई से मानेंगे तो हमारे आज बाज पड़ोस से हमें श्रेष्ठ रखेंगे। दूसरा वचन ऐसा कहती है फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीष हम जाकर नहीं पूछना है तुझ पर पूरे होगा। हालेलुया। मेरे जिंदगी में कई ऐसे कार्य हम बिन ज्ञान के गुम कर रहे हैं इसलिए ऐसे हम बिन ज्ञान के हैं इसके लिए हम ऐसे गुम कर रहे हैं। यदि हम वचन की आज्ञा पालन करेंगे तो वो पूरा आकर होगा। वो कौन सा भी कार्य होने दीजिए आप वीड नाल चलिदा घर भी होने दीजिए निर्मण नाल चलिदा बच्चे की शादी होने दीजिए वो हमारे ऊपर आकर पूरा होगा। इसलिए दाऊद कहते हैं पहला इतिहास 17:17 परमेश्वर के लिए भवन नहीं है मैं तो राजभवन में हूँ और मेरा परमेश्वर का परमेश्वर तो तंबू में निवास करते हैं कर कर तो वो सोचने लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बांधना है कर कर भविष्य दत्ता से कहने लगा तभी भविष्य दत्ता कहता है तू अपनी इच्छा से करना। दूसरी बात परमेश्वर भविष्य दत्ता से बातें करने लगा 17:7 में अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा कि सेनाओं की यहोवा यो कहता है तू मेरे इसराइल में अधिपति ठहरने के लिए जो भेड़ साला और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने वाले तुझको उठाकर जो भी तू जहाँ गया था मैं तुझे रक्षा किया कर और जो भी विरोध में आए तो उसे मैंने नाश कर दिया और तुझे तो प्रधान नाम दिया था। अब आलय तू मेरे लिए भवन नहीं बांधना ऐसा परमेश्वर कहने लगा लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं लगा कि मैं तुझे दसवां वचन तेरे शत्रुओं को सभी को नाश कर दिया अब परमेश्वर तेरे लिए एक भवन बांधेगा इससे ऐसे कार्य को तुझे बताता परमेश्वर ऐसा कहता है कि संपीड़ी पीढ़ी तक दाऊद का वंशी राज करेगा कर कर उसी में दाऊद कहता है 17 में ये परमेश्वर यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई देवनान कत्रा करने उम्र आड़िया वीटे कुछ
क्योंकि तूने अपने दास की घराने के विषय भविष्य की बहुत दिनों तक की चर्चा की है कि और ये यहोवा परमेश्वर तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। किसी को भी परमेश्वर ऊंचा सा ही देखता है। अन्नाल माँ जी ऐसा गाती है कि धूल से उठाकर उन्हें प्रभुओं के बीच में बिठाता है। उसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको भी दाऊद की उस वाचा को देते हैं। ऐसाया 55:1-5 तक आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये प्यासे लोग किस कार्य में प्यासे है? बच्चे के बारे में, पैसा के कार्य में, कमजोरियों के बारे में, सभी प्यास को मिटाने वाले जीवित सोता हमारे बीच में है। पानी के बाजू में आ जाओ जिनके पास पैसा नहीं है, आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम के आकर ले लो। कई लोग सोचते हैं कि पैसा है तो सभी कार्यों को करना है कर। लेकिन परमेश्वर भविष्य दत्ता के द्वारा बातें करता है। आपको पैसा नहीं खर्च करना है, मुफ्त में मिलेगा। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो विनती करेंगे तो बहुमूल्य आकाश की भंडार को परमेश्वर खोलता है। देखिए हमारी प्रयास कैसा है। दूसरा वचन ऐसा कहते हैं कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? समय पे वीणा दूसरे के घर पे जाकर बातें करना और संसारिक कार्य को बातें कर हमारे समय को व्यर्थ में बिताते हैं। तुम लोग मेरे लिए सावधान लगा कर सुनो और उत्तम वस्तुओं खाना तब तुम्हारी आत्मा चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाएगा। दूसरे तीसरा वचन ऐसा कहती है कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो उनके पास आकर क्या करना है, सुनना है। आत्मा तब तुम जीवित रहोगे। जैसा कहता है कि दाऊद को दिया गया सदा साथ की वाचा आपके लिए नित्य अटल करुणा की वाचा बांधूंगा। देखिए पांचवा वचन ऐसा कहता है तुझे परमेश्वर उन्नति किया है। हम सभी को अलग अलग उन्नति करना ही उनका श्रेष्ठ कार्य है। उसके लिए हमें क्या करना है? पवित्र शास्त्र की महत्व कार्य को जानना है। उनकी ज्ञान में हमें बढ़ोतरी पाना है। पहला 19 ऐसा कहती है उनकी सामर्थ्य को पहचान लेना है। वचन की ज्ञान हमारी आंखों को खोलना चाहिए। वसन वल्लमी मेन्मे उस
वचन में सामर्थ्य और महान कार्य है। हमारे लिए मर कर फिर जी उठ कर आए, इसके लिए हमें श्रेष्ठ किया है। इस ज्ञान हमारे अंदर चाहिए। फिलिपियों कलीसिया के बारे में पौलुस कहता है, मसीह यीशु की ज्ञान के लिए मैं सभी को छोड़ दिया, और एक राज्य है उसके लिए सभी को मैं दूल समझा, जो भी हम खोया हुआ सब वापस देने वाला परमेश्वर है। पहला तीमतियो 3:16 ऐसा कहते हैं, परमेश्वर की भक्ति का रहस्य महान है। देखिए परमेश्वर के भक्त में चलना वो महा रहस्य परमेश्वर की भक्ति कितना महान श्रेष्ठ है। कर कर वो जब जो जो कार्य किया वो सब ही लिखा है, जिनसे जाना है गया है वो सभी लिखा है। उस ज्ञान हमारे अंदर आएंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। दाऊद का निश्चय अटल करुणा हमें देंगे। छठा वचन अपनी पहली महान कार्य को न संभालते हुए अपने भवन को छोड़ा स्वर्ग दूत स्वर्गीयों को पहला महिमा दिया गया था। महिमा को खो बैठे इसलिए जंजीरों से बांधा गया और पाताल में है, वो बंधा गया है। मेरे लिए और आपके लिए उस तर श्रेष्ठ को परमेश्वर रखा है। व्यवस्था वरण 28:14 सभी कार्य हमारे लिए है। सभी को परमेश्वर आशीष करना है, वो हमारी आंखों से छुपा है, उसे विश्वास करते समय वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ, जो पवित्र मुझे चाहिए उसी पवित्र बातों में और नजरों में और चाल चलन में पवित्र रहना अवश्य है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ तो आशीष ही रखा है परमेश्वर। हमें उन्नति करना ही उन्हें प्रिय है। पूरी रात भर तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, सर्व प्रजा के बीच तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, यही वचन वापस वापस मेरे कान में आकर दोहराती है। हमें श्रेष्ठ बनाना उन्हें प्रिय है। हमारे रिश्तेदार के बीच में हमें श्रेष्ठ रखेंगे, हमारी हाथों की कमाई में हमें श्रेष्ठ करेंगे, कमजोरी के बीच में आरोग्यता देंगे, हमारी संतान को भी श्रेष्ठ करेंगे, वैसे विश्वास को परमेश्वर ही देंगे।